श्री विद्या में अगर आप देखोगे मालविका त्रिपुर सुंदरी को, उनका सिंबॉलिक एलिमेंट, तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके बगल में उनके पति कामेश्वर या स्वच्छंद भैरव है, तो वो सदाशिव पे बैठी है और उनके नीचे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान रुद्र और भगवान महेश्वर उनके नीचे बैठे हैं, जैसे उनके टेबल के चार स्टैंड्स। सो ये क्या है, अद्वैत वेदांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सैटिस्फैक्टरीली, बट कश्मीर शैविज्म इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है, दैट इट मेक्स सेंस। लोगों को लग रहा है कि धन मिलने से उनको पूर्णता मिल जाएगी, बट आप सोचो क्या जो बहुत अमीर लोग हैं उनको पूर्णता मिल गई? पुरुष तत्व से भी ऊपर 11 तत्व और है, तो टोटल 36 तत्व, और वो शुरू होता है शिव से, फिर शक्ति, उसके बाद इच्छा शक्ति, फिर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, माया। सुयश, जैसे कि कोई भी जब साधक कोई साधना करता है तो किसी न किसी शक्ति की प्राप्ति के लिए करता है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं श्री विद्या की, तो श्री विद्या का जितना आपने डिटेल में मुझे बताया है, उससे अगर कोई साधक साध ले, राइट, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो उसके अंदर आती है, या फिर वो शक्तियों का कैसे यूज करता है? अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है संप्रदायों में, अलग अलग संप्रदाय में। जैसा भी मैंने बताया अद्वैत वेदांत, वैष्णविज्म इत्यादि, तो वैष्णव का एक अलग गोल है टुवर्ड्स साधना। साधना एक ही है, वही मंत्र है, सब वही है, लक्ष्य का अंतर है। वैष्णव एग्जाम्पल एक गॉड वैष्णव संप्रदाय, अगर उनसे पूछो, उनके वो भी श्री विद्या को फॉलो करेंगे, वो भी कहेंगे कि श्री विद्या राधा का रूप है, बट उनसे पूछो कि इसका लक्ष्य क्या है, तो वो बोलेंगे गोलोक की प्राप्ति, गोलोक प्राप्त करना। अच्छा, मतलब लक्ष्य चेंज हो जाते हैं सबके, सारे संप्रदायों में लक्ष्य चेंज हो जाता है। अद्वैत वेदांत संप्रदाय में अगर हम पूछें कि श्री विद्या की उपासना का लक्ष्य क्या है, तो वहां पे ब्रह्म को प्राप्ति, अद्वैत वेदांत अपरोक्ष अनुभूति कि मैं ही ब्रह्म हूँ ये जानना। कश्मीर शैविज्म का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है? कश्मीर शैविज्म इज ऑल अबाउट फ्रीडम। कश्मीर शैविज्म कहता है कि श्री विद्या या कोई भी साधना जो हम करते हैं वो हम फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। अब दे आर द्वैत तंत्रास, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल तंत्रास, जिसमें ड्यूअलिटी है, जो आम तौर पे आपको सुनने के लिए मिलता है ऑल ओवर द इंटरनेट। ये थोड़ा सा मुझे अद्वैत तंत्र के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? हाँ हाँ, श्योर। सो अद्वैत और द्वैत पर्सपेक्टिव है, उसको हम लोग कहते हैं दर्शन हिंदी में। दर्शन यानी देखना, अ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थिंग्स, एक तरीका देखने का, दुनिया को देखने का। सो द्वैत यानी जब आप भगवान को और अपने आप को अलग अलग तरह से देखते हो, आप कह रहे हो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और भगवान मेरे से अलग हैं। इट इज समवॉट लाइक कि आप भगवान को एक राजा की तरह देख रहे हैं, आप प्रजा हैं, आपको कुछ चाहिए राजा से, आप उनके महल जाते हैं जो मंदिर है, और आप उनका गुणगान करते हैं जो स्तोत्र है, फिर आप अपनी इच्छा मांगते हैं, आप राजा को सजा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो राजा की। उसी तरह से हम भगवान को देख रहे हैं ना, उसको कहते हैं द्वैत पर्सपेक्टिव, द्वैत दर्शन, ड्यूअल पर्सपेक्टिव। वही जो अद्वैत है वो कहता है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। और ये अहंकार नहीं है, ये पूर्ण अहंकार है। पूर्ण अहंकार यानी जब आप पूरे दुनिया को अपने सेंस ऑफ आई में शामिल कर लेते हो, मैं ही शिव हूँ यानी मैं ही सब कुछ हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र शिवम। जब शिव सब कुछ हैं, एक एक पत्ता भी शिव है, एक खरगोश भी शिव है, तो मैं वो सब हूँ। तो ये जो अद्वैत की स्टेज है, ये कहीं ना कहीं द्वैत से ही तो क्रॉस होके गई होगी ना, कोई डायरेक्ट तो एकदम नहीं हो सकता कि मैं ही शिव हूँ। हाँ, आपने बहुत सच पकड़ा इसको, द्वैत से ही। द्वैत एक सीढ़ी का निचला हिस्सा है, द्वैत से ही हम धीरे धीरे करके अद्वैत की तरफ जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने द्वैत तंत्र भी बनाया, ऐसा नहीं उन्होंने अद्वैत तंत्र ही सिर्फ बनाया, उन्होंने द्वैत तंत्र बनाया। फिर उसका एक इंटरमीडिएट स्टेज है द्वैत और अद्वैत के बीच में, जब आप कहते हो कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं पूरी तरह शिव नहीं हूँ, अभी भी थोड़ा डाउट है मैं शिव कैसे हो सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं शिव की तरह ही हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका अंश हूँ, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है। और फिर हम बढ़ते हैं पूर्ण अद्वैत की तरफ, मैं ही सब कुछ हूँ,
और ये आम इंसान को समझाया नहीं जा सकता, थोड़ा मुश्किल है उसको समझाना अद्वैत। अगर आप एक इंसान जो गरीब है, जिनको इसको खाने के भी प्रॉब्लम्स है, हैंड टू माउथ है वो, उसको अगर आप कहोगे कि आप सब हैं, आप शिव हैं, व्हाट विल ही अंडरस्टैंड? उसके दिमाग से तो सब ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, उसके लिए तो ये अभी की सिचुएशन इम्पोर्टेंट है, फिलहाल वो बाद में देखेंगे पहले। हाँ, उसको अगर द्वैत समझाओ कि आप शिव के पास जाओ, उसको ये स्तोत्र वो पढ़ के खुश करो, उनसे उससे ये सिद्धि पाओ, वो उसको समझ आ जाएगा। ओके, मेरे पास खाने की प्रॉब्लम्स है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी माँ बीमार है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, स्तोत्र गाता हूँ ताकि भगवान मुझे ये सब देते हैं, उसके लिए ये ज़्यादा सेंस बनाता है। तो भगवान ने डिफरेंस नहीं किया, इफ़ यू वांट दैट यू कैन हैव दैट। तो कश्मीर शैविज्म का जो मेन लक्ष्य है श्री विद्या उपासना का, वो है आत्मज्ञान, जो उसे कहते हैं प्रत्याभिज्ञ, टू रियलाइज दैट यू आर शिवा, टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर शिवा, पहचानना कि मैं शिव हूँ। उसके लिए हम श्री विद्या की पूजा करते हैं। लेकिन जिनको चाहिए इच्छाओं की पूर्ति, उनको भी डिफर नहीं किया जा रहा है। अच्छा, तुम्हारे लिए भी है, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में कई लोग हैं, कुछ गरीब हैं रूरल एरियाज से, कुछ अमीर हैं, कुछ अलग हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी अपनी मनोदशा है, और हमें सबको इंक्लूड करना है अपने सिस्टम में। तो अगर आपका लक्ष्य है कोई सिद्धि पाना, अष्ट सिद्धियाँ होती है बेसिकली, अष्ट सिद्धि में आता है प्रकटम सिद्धि, जिससे आप किसी भी चीज़ को प्रकट कर सकते हो, बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है ना। और अधिकतर लोग पॉडकास्ट में इसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट होता है, लोगों को इसी में मज़ा आता है फिक्शनल चीज़ों को जानने में। बट चलो ठीक है, अगर आपका वही इच्छा है, श्री विद्या में आपको वो भी मिल जाएगा। श्री विद्या को ऐसा दिखाया जाता है कि वो आठ कमल, एक कमल है जिसके अंदर 8 पेटल्स हैं, उसके बीच में वो होती है। ओके, तो वो पेटल्स हैं, जैसे कमल होता है ना, तो कमल के पेटल्स इस तरह से होते हैं, तो वो आपको कमल के सेंटर में क्या है उस तक पहुंचने से रोक रहा है एक सेंस में। तो वहाँ पे सिद्धियाँ हैं उस कमल को घेरे हुए, 8 सिद्धियाँ। ओके, 8 कमल के पेटल्स से जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो आपको सेंटर यानी भगवान तक पहुँचने से रोक रहे हैं। अगर आपको यही कमल के पेटल्स को चाहना था, वो आपको वही चाहिए कमल के पेटल्स यानी सिद्धियाँ, वेल एंड गुड, आप इसको लो, निकलो। लेकिन अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको इसको त्याग के आगे बढ़ना होगा। ओके, ठीक है। तो लोग लेकिन सिद्धियों को पा लेते हैं, भगवान को पाना वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भगवान उनके को लिए नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा उनको लगता है। बट टू बी वेरी रियल, वही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, भगवान को प्राप्त करना। सिद्धियां क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अभी तक पूर्ण नहीं है, और कोई सिद्धि उसको मिल जाएगी तो वो पूर्ण हो जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि अगर मुझे पैसा मिल जाए, एग्जाम्पल, लोग सिद्धियों के पीछे तो नहीं, पैसे के पीछे भागते हैं। श्री विद्या साधना भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको, उनके मन में कॉनोटेशन है कि श्री मतलब धन। लगभग हर एक इंसान यही समझता है ना, श्री धन। जब मैंने श्री विद्या के ऊपर वीडियोज बनाया था, तो सब लोगों के दिमाग से ऊपर गया, क्योंकि मैं हाई फिलोसॉफिकल बातें कर रहा हूँ, और लोग वहां पे आए थे ये जानने के लिए कि धन कैसे प्राप्त हो। श्री विद्या यानी कोई ऐसा विद्या बताएगा जिससे मुझे धन मिल जाएगा। तो लोग कमेंट कर रहे हैं, बताया ही नहीं तुमने कि धन कैसे प्राप्त हो। तो लोगों को लग रहा है कि धन मिलने से उनको पूर्णता मिल जाएगी। बट आप सोचो, क्या जो बहुत अमीर लोग हैं उनको पूर्णता मिल गई? वो अभी भी और पीछे भाग रहे हैं, और धन के पीछे भाग रहे हैं। उनको कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है कि कहीं लोग उनको डिसलाइक ना करें, ताकि एक बिलियनेयर He has to constantly maintain a very likable personality. क्योंकि अगर उनका personality लोगों को पसंद नहीं आया, तो तुरंत उनको millions का loss हो सकता है stock में। लोग उनके stock को sell कर देंगे, लोग उनके company में invest नहीं करेंगे, and he will drop. तो उनको limitation से मुक्ति कहाँ मिली? वो पूर्ण कहाँ हो रहे हैं? वो अभी भी limited हैं। वो पैसा उनको और limit कर रहा है बहुत सारे तरीकों में। अब देखना, जो जितना अमीर हो रहा है ना, उनके फेस पे उतना दुख है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है वो, ड्रग्स ले रहे हैं वो,
बट लोगों को ये कहाँ पता, एक नॉर्मल इंसान को यही लगता है ना कि क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है अभी पैसों का, तो एक बार मैं पैसे कमा लूँ आई विल बी वेरी हैप्पी। इट इज़ जस्ट लाइक एक प्यासा आदमी है, उसको बहुत प्यास लग रहा है, अब उसके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए और बोले चलो मैं तुमको हेवन लेके जाता हूँ, ये दूसरा ऑप्शन तुमको पानी देता हूँ, वो तब बाहर में जाए आपका हेवन, मुझे पानी चाहिए अभी नहीं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। तो एक प्रेजेंट टाइम में आपको जिस चीज़ की नीड फील होती है ना, आपको लगता है कि सिर्फ उसी को पाके आप पूर्ण हो सकते हो, आप उससे ऊपर कुछ देखते ही नहीं हो। समझ आ रहा है बात को? तो श्री विद्या जैसे पावरफुल संप्रदाय में भी आप एंटर कर रहे हो पैसों के लिए या एक सिद्धि के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इससे बहुत ऊपर है। एक बार अगर आप रियलाइज कर लो कि आप शिव हैं, सभी पूर्णता से परे हैं, सभी अपूर्णता से परे हैं, आप पूरी तरह से पूर्ण हैं, सारे कंप्लीटनेस आपके अंदर है, यू विल नॉट नीड एनी सिद्धिज, यू विल नॉट नीड मनी, यू विल नॉट नीड एनीथिंग, आप खुश हैं। बट हाँ, ये आपको रोक नहीं रहा, ये आपको प्रतिबंधित नहीं कर रहा। अगर आपको सिद्धि पाना है वेल एंड गुड, आपको पैसे कमाना है कोई नहीं रोक रहा, बट इस चीज़ को रियलाइज करके कमाओ कि आप उसके बिना भी पूर्ण हैं, वो आपको पूर्ण नहीं कर रहा, आप अपने अंदर से पूर्ण हैं, इसको पाना मेन लक्ष्य है श्री विद्या का। बट रास्ते में आपको सिद्धियां भी मिलेंगे, इनकेस अगर आपको वो चाहिए ले लो चाहो, बट देयर इज अ कैच, अगर आप सिर्फ सिद्धियों के लिए ये कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद वो सिद्धियां खत्म हो जाएगी। तो भगवान तक पाने के लिए जैसे आपने बताया है, उस गोल तक पाने के लिए सिद्धियों की भी तो हेल्प लेनी होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए उनकी हेल्प। ओके, तो अगर हमें भगवान तक पहुंचना है शिव विद्या के द्वारा, हाँ, तो वो कौन सी स्टेज है या उसको कैसे मेडिटेट कर सकते हैं? तो उसके लिए साधना है। देखो, सिद्धियां रास्ते में आ रही है, क्योंकि आपने पूछा कि इसका क्या पर्पस है, आप तो यही मन में सोच के आपने पूछा कि कौन से अलौकिक शक्तियां हैं जो इस संप्रदाय, तो आपके प्रश्न को मैं तृप्त कर देता हूँ, आपके जिज्ञासा को। सिद्धियां आपको मिल रही है, सिद्धियां एग्जांपल एक सिंपल सिद्धि रहते हैं प्रकटम सिद्धि, जिसका मुझे पर्सनल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ था, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट इन नॉट इन अ सेंस कि आपने जॉब इंटरव्यू मैनिफेस्ट कर लिया, ये कुछ आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ अपीयर करना चाह रहे हो वो अपीयर हो गया। आप एक ग्लास पानी का ग्लास ऐसे कर दो, पानी का ग्लास आ जाता है, बट आप ये कैसे कर पा रहे हो आपको ये समझना होगा। श्री विद्या संप्रदाय आपको कैसे चेंज कर रहा है कि आप ये कर पाने में सक्षम हो, वो आपको रियलाइज करवा रहा है कि आप ही ये पूरी दुनिया हो, मतलब आपके अंदर वो पावर है, हाँ, कि ये पूरा दुनिया आपका ही प्रोजेक्शन है, आप शिव हैं जो एज अ प्रोजेक्टर, जैसे एक प्रोजेक्टर एक फिल्म प्रोजेक्ट कर रहा है, वैसे ही आप ये पूरा दुनिया प्रोजेक्ट कर रहे हो, और चूंकि आप ये पूरा दुनिया प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपके पास सर्टेन पावर्स हो सकते हैं इस दुनिया को मॉडिफाई करने के। प्रोजेक्टर के पास पावर है ना कि क्या प्रोजेक्ट कर रहा है वो उसको मॉडिफाई कर सके, तो मॉडिफिकेशन से ही सिद्धि के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण सपना, सपना आप ही क्रिएट करते हो जो आपके अंदर चल रहा है, तो आपके पास पावर है उसको बदलने का। अब जैसे मैंने सपना देखा एक रात कि मैं भूत मेरे पीछे भाग रहा है, सो देयर इज अ भूत, वो मेरे पीछे भाग रहा है, नाइटमेयर, और मैं बहुत डर गया, बट मेरा ही ना वो सपना था, वो भूत भी मैं था, डर भी मैं रहा था, और जो भाग रहा था वो भी मैं था, ओके, मेरे ही सपने में। तो जिस मोमेंट मैं इतना डर गया कि मेरा थोड़ा नींद खुल गया, उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ सपना तो मैं देख रहा हूँ, सपना तो मेरा है, सपना तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मैं सो गया इस अवेयरनेस के साथ। अब भूत भाग रहा है और भूत के पीछे मैं भाग रहा हूँ। So, जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये पूरा दुनिया एक ड्रीम की तरह है और आपका ही प्रोजेक्शन है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना? और वो मॉडिफिकेशन सिद्धियां होती है। लेकिन ये सिद्धियां चली जाएगी अगर आप इसको पूर्णतः रियलाइज नहीं करते हो, अगर आप इसी के पीछे होते हो, अगर आप मॉडिफिकेशन के ही पीछे भाग रहे हो, तो एक समय के बाद वो पूर्णता वाला नेचर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा, आप ये मानना भूल जाओगे कि मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि अभी भी आपको पूर्ण फील करने के लिए सिद्धियों का या किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, आपको शो ऑफ करना, आप देखो जैसे आपको सिद्धियां मिलेगी, पहला चीज इंसान करेगा शो ऑफ, वो अभी करे या बाद में करे, इट्स इम्पोर्टेंट कि वो शो ऑफ करेगा ही, इंसान ऐसा ही है, जैसे वो पैसा कमाने लगा वो शो ऑफ करेगा ही करेगा।
आईफोन खरीद लेगा और उसको उसकी नीड नहीं है, अगर नीड है तो अलग बात है, उसको नीड नहीं है बट ही विल शो ऑफ। जैसे ही उसको सिद्धि मिली वो शो ऑफ करना शुरू करेगा और वो शो ऑफ उसको अपूर्ण बना देगा क्योंकि उसको आवश्यकता पड़ रही है दूसरों के वैलिडेशन की, अपने अंदर पूर्णता फील करने के लिए। और जैसे ही वो अपूर्ण हुआ, जैसे ही वो अपूर्ण फील करना शुरू हुआ, इसको हम आडवमल कहते हैं संस्कृत में। आडवमल यानी सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, डिल्यूजन ऑफ इनकम्प्लीटनेस कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो जैसे ही वो इनकम्प्लीट फील करने लगा वैसे ही उसकी सिद्धियाँ खत्म हो जाएगी क्योंकि अब वो पूरा संसार नहीं है, अब संसार उसका प्रोजेक्शन नहीं है, अब वो संसार को अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकता। तो ये सिद्धियाँ आपको पट भ्रष्ट करने के लिए आ रही है और जैसे ही आप पट भ्रष्ट हो गए तो वो सिद्धियाँ वापस चली जाएगी। उसका काम था सिर्फ आपको पट भ्रष्ट करना, एक बार आप हो गए फिर वो सिद्धियाँ चली जाएगी। जैसे आप मेहनत कर रहे हो, जिम जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, सिक्स पैक निकल गया आपका, लेकिन अब जो है आप एक्सरसाइज छोड़ के बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हो, सिक्स पैक खत्म हो जाएगा ना, फिर पेट निकल आएगा और फिर वही मेहनत जो पहले की थी, जन्मों की मेहनत। तो अब सिद्धियों को पाने के लिए जन्मों की मेहनत कर रहे हो तो उसमें भटको मत, उससे आगे पहुंचो, शिव तक पहुंचो, पूर्णता तक पहुंचो, नहीं तो ये सिद्धियां वापस चली जाएगी और फिर वही जन्मों की मेहनत। तो अगर आप किसी अलौकिक शक्ति को पाने के लिए श्री विद्या में प्रवेश कर रहे हैं तो पहली बात गुरु आपको दीक्षित करेगा। अब इसमें एक यही सवाल आता है कि इनिशियल स्टेज पे जब कोई इस बारे में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपकी गुरु की, कि गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि हम गुरु कैसे ढूंढे या गुरु में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आज गुरु ढूंढना ही अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। तो गुरु में हम लोग गुरु अगर ढूंढे तो वो कैसा ढूंढे, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे समझे कि हाँ ये सही गुरु है, इन सारे चीज़ों के बारे में भी तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। अच्छा, लेकिन किसी भी गुरु के मुँह से आप ये सुनेंगे नहीं, जो तंत्रों को समझा रहे हैं वो कभी इसके बारे में नहीं बताएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। अगर वो बता दिए तो उनका जो धंधा चल रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो खुद एम्बॉडी नहीं करते हैं उन सब चीज़ों को जो बताया गया है गुरु के बारे में, उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो कैसे बता सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया गया है गुरु के बारे में, बहुत सारा कुलार्णव तंत्र एक शास्त्र है, उसमें गुरु के बारे में एक लंबा चौड़ा डिटेल बताया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए, और शिष्य के बारे में भी लंबा चौड़ा डिटेल बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, इतना डिटेल में घुसेंगे तो फिर एक पॉडकास्ट यही हो जाएगा। किसी भी गुरु, देखो गुरु आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, ऋषिकेश में जाओ हजारों साधु सन्यासी हैं, फाइंड आउट करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, right. है ना। तो सबसे पहला चीज है कि आप उनके साथ रहो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आपने मुझे सुन लिया है, यू आर इम्प्रेस्ड, और आप जो है मुझे बोल रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि मुझे अपना शिष्य बना लो। जितना जल्दी आपने इंटरेस्ट गेन किया मेरी बात सुन के, उतना जल्दी आप इंटरेस्ट लूज भी करोगे जब मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगा। तो ऐसे नहीं करना है, पहले उनके साथ रहो। तंत्र शास्त्र कहता है कि कम से कम दो साल आपको एक पर्टिकुलर साधु के साथ रहना है जिसको आप गुरु बनाना चाहते हो। कैसे भी रहो, डजंट मैटर, उसके साथ रहो और उसके एक्शंस को देखो, ना कि उसके शब्दों को। शब्दों से लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, यू नो, गिद्ध क्या होता है, वो ना बहुत ऊपर ऊपर उड़ेगा लेकिन उनका उसका नज़र जो है हमेशा नीचे सरे गले मांस में ही रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊपर ऊपर की बातें करेंगे बट उनका नज़र कहाँ रहेगा, नीचे सरे गले मांस पे, यानी स्किन पे, फ्लैश पे, सुंदरता पे, सेक्स पे। तो उनसे थोड़ा बच के रहना है आपको। कैसे बचोगे, उसको ऑब्जर्व करो, दो साल उसके साथ रहो, ऑब्जर्व करो क्या जो वो बोल रहा है और क्या जो वो कर रहा है, उसके बीच में एक डिसोनेंस है या एक रेजोनेंस है। क्या वो जो बोल रहा है और जो वो कर रहा है वो सेम है? क्या वो अपनी फिलॉसफी को एम्बॉडी कर रहा है? अगर वो कर रहा है तभी वो आपको शास्त्र सिखा सकता है। शास्त्र जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनली अगर आप इसको रूट को तोड़ोगे शास्त्र वर्ड के लिंग्विस्टिक रूट्स को, तो आप पाओगे कि शास्त्र वर्ड शाश से आता है। शाश शाश मतलब शाश यानी अनुशासन। ओके ओके, अनुशासन। ओके, अनुशासन ही शास्त्र का हृदय है।
मतलब जो आप पढ़ रहे हो शास्त्र में उसको आप अनुशासन में ला पा रहे हो या नहीं। ओके, कैन यू एम्बॉडी योर ओन फिलॉसफी। ओके ओके ओके, अगर आप अपने फिलॉसफी को खुद एम्बॉडी नहीं कर रहे हो तो आप उस शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो। तो अगर कोई श्री विद्या का गुरु है तो श्री विद्या दर्शन, वो फिलॉसफी, वो शास्त्र उसके जीवन में एम्बॉडी हो जाता है। उसका जीवन ही रिफ्लेक्शन होता है उस शास्त्र का। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, वो वेदांत प्रीच करते थे, तो उनको कहा जाता था द लिविंग वेदांत। उनका जीवन ही वेदांत सिखा रहा है, वो ऐसे जिए। तो अगर आप सच में अपने फिलॉसफी को मानते हो, जो मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं सच में मानता हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो मेरे जीवन में भी दिखेगा। तो 2 साल तक आपको ऑब्जर्व करना होगा कि गुरु जो बता रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, क्या वो सामंजस्य में है। अगर वो नहीं है तो फिर लीव हिम, फिर आगे बढ़ जाइए। और 2 साल तक गुरु भी आपको टेस्ट करेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जैसे एक सुनार सोने को टेस्ट करता है, वैसे मैं अपने सारे शिष्यों को बोलता हूँ मुझे टेस्ट करने के लिए। यू नीड टू टेस्ट योर गुरु। और एक बार आपने टेस्ट कर दिया और आप उस गुरु उसमें पास हो गए, और फॉर्चुनेटली गुरु ने भी आपको सेलेक्ट कर लिया, जो बहुत मुश्किल होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उनके प्रति। आपको अपनी पूरी लाइफ उनके चरणों में समर्पित कर देना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो देयर इज नो यूज, फिर गुरु मत बनाओ फिर। ओके, श्री यंत्र के बारे में मैं और डिटेल में ये जानना चाहूँगी कि इसकी जो लास्ट स्टेज है वो है कि मोक्ष को प्राप्त करना, या फिर आपने अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कर लिया कि आप उस जो एक इंसान का एक एक उद्देश्य होता है उसको पार कर लेना, यानी कि आप अपनी इनर पावर को उस हाई स्टेज पर ले गए हो। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं, एक आम इंसान अगर स्टार्ट करे इसको तो वो क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे क्विकली वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? ओके, सो आपने बोला कि इसका पर्पस है मोक्ष या इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इनर ट्रांसफॉर्मेशन उसका पर्पस नहीं है। ट्रांसफॉर्म होना यानी आप कुछ और हैं अभी और आप बाद में कुछ और हो जाते हैं। ओके, जैसे दूध दही में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वैसे यहाँ पे सिस्टम नहीं है। आप जो नहीं हो वो आप कभी बन ही नहीं सकते। आप जो नहीं हो वो कभी नहीं बन सकते। हाँ, ये हमारा भागवत गीता कहता है। Okay. जो नहीं है वो कभी नहीं था और वो कभी नहीं होगा। I will explain it. जो नहीं था वो कभी नहीं होगा। जो आपका नहीं था वो आपका कभी होगा नहीं। और जो आपका है वो आपसे कभी जाएगा नहीं। आप इसको अपने तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। I'm not the one to judge. बट जो एबिलिटी, अगर एक बरगद का बीज है तो उस बीज के अंदर वो बरगद का पेड़ है, तभी वो बरगद का पेड़ बनता है। वो बीज को अगर आप गाड़ दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो गुलाब का पेड़ बने तो वो नहीं बनेगा। तो जो आप हो पहले से आप वही बन सकते हो। वास्तव में आप वही हो, बनोगे क्या? हर कोई है, हर कोई शिव है। तो वो शिव बनता नहीं है, वो बस पहचानता है कि वो शिव है। यू जस्ट रियलाइज योर पोटेंशियल, दैट्स इट। इसलिए इसको प्रत्याभिज्ञ कहते हैं। प्रत्याभिज्ञ यानी रिकॉग्निशन। आई एम नॉट बिकमिंग शिवा। जो मैं हूं ही नहीं वो मैं नहीं बन सकता, और जो मैं हूं वो बनने की आवश्यकता ही नहीं है, बस पहचानना है कि मैं हूं। सो यू आर जस्ट रिकॉग्नाइजिंग योर ट्रू सेल्फ एज शिवा। ओके ओके, तो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्। मोक्ष का अर्थ है अपने स्वरूप को जानना, बस अपने आप स्वरूप को जानना। कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस जो मैं हूं उसको जानना, अपने एक्चुअल नेचर को जानना। हाँ, राइट, अपने स्वभाव को जानना। और स्वभाव क्या है? सर्वभूता नाम स्वभाव परमेश्वर। सबका स्वभाव है परमेश्वर, यानी शिव या शक्ति, क्योंकि हम श्री विद्या को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्योंकि शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। ओके, तो आपने पूछा कि स्टेप्स क्या है इस प्रत्याभिज्ञ तक पहुंचने के श्री विद्या में, क्योंकि हम श्री विद्या को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हर एक संप्रदाय, अगेन हम संप्रदाय पे आ जाते हैं, क्योंकि सब संप्रदाय की अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स श्री विद्या। तो जो द्वैत संप्रदाय है उसमें बहुत सारे कर्मकांड हैं। कर्मकांड यानी रिचुअल्स, वो हवन करते हैं,
पहले वो एक यंत्र बनाएंगे या अपने बॉडी में उसको इमेजिन करेंगे, और फिर वो हर एक यंत्र के हर एक पेटल पे या हर एक साइड पे या हर एक त्रिकोण के कोण पे वो एक पर्टिकुलर देवी या देवता को कह सकते हो स्थापित करते हैं। या अगर वो बॉडी के अंदर इमेजिन कर रहे हैं तो न्यास करते हैं। न्यास मतलब एक डीटी को अपने बॉडी के सर्टेन अंग में स्थापित करना, मेडिटेटिव विजुअलाइजेशन से और मंत्रों के उच्चारण से। तो वो इस तरह से करते हैं। सर्वक्षोभिनी अलग अलग डीटीज होती हैं, वो भी मैंने ट्राई किया है। ऐसा नहीं, मुझे पैशन है, मेरा पैशन है अलग अलग साधनाओं को करना। अच्छा। मुझे जानना है कि कौन सा साधना कहाँ लिखे जाता है या कौन सा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है। मैं आपसे इसी साधनाओं के बारे में आगे पूछूंगी, पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अगेन ठीक है, आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछो, इट्स योर विश। तो ऐसे भी किए जाते हैं नॉर्मली श्री विद्या, अगर आप जाओगे ना अंदर श्री विद्या के, तो ऐसे ही साधनाएं आपको मिलेंगी। एक बड़ा सा श्री चक्र बनाया जाता है श्री यंत्र, और उसके अलग अलग पार्ट्स में सर्टन डीटीज को स्थापित किया जाता है मंत्रों के थ्रू। फिर उन सारे डीटीज के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, थोड़ा डिटेल प्रोसेस है। हवन किया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है नैवेद्य इत्यादि, और फिर धीरे धीरे करके हम उस चक्र के सेंटर में पहुँचते हैं। एक बिंदु होता है, हर एक चक्र के सेंटर में एक बिंदु होता है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और वो बिंदु देवी का प्रतीक है। तो फिर हम देवी तक धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, उनके सारे अटेंडेंट्स को खुश करके, और फिर हम उनकी साधना करते हैं मंत्र का उच्चारण करके इत्यादि। ये कर सकते हो आप, बट इट्स ऑफ नो यूज। शंकराचार्य कहते हैं, आज के शंकराचार्य इस बात को माने ना माने, डजंट मैटर। शंकराचार्य ने इस बात को कहा है अपने विवेक चूड़ामणि में, कि अगर आप हजारों करोड़ों जाप कर लेते हैं, हजारों करोड़ों प्राणायाम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप अपने आप को एज ब्रह्म रियलाइज करते हैं। करोड़ों वर्षों तक जाप करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। मैंने वर्ड यूज किया है कोटि ब्रह्म वर्ष। ब्रह्म वर्ष, एक ब्रह्म वर्ष करोड़ों साल का होता है, उतने कोटि मतलब करोड़, तो करोड़ों करोड़ों साल तक करते रह जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने इनर सेल्फ को रियलाइज नहीं करते, जो कि है शिव। इनर सेल्फ को रियलाइज करना इतना टिपिकल काम है। टिपिकल नहीं, डिफिकल्ट। It's difficult. Yes, difficult है, लेकिन जो चीज हम हैं वो हम लोग रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। बताया ना मैंने महेश्वर के बारे में, वो छिपा के रखे हैं हमसे। तो डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है रियलाइज करना। हम मंदिर जाते हैं, हम साधना करते हैं इनर सेल्फ को रियलाइज करने के लिए नहीं, अपने आप को और बंधन में बांधने के लिए। एक आम इंसान मंदिर क्यों जा रहा है? क्योंकि भगवान को उन्होंने अपना इंश्योरेंस बना लिया है कि जब मुझे काम पड़ेगा ही विल बी देयर, इसलिए मैं रोज रोज जाके उनको फूल चढ़ा रहा हूँ। खुश रहो भाई, रिलेटिव्स के साथ भी वो जैसे बिहेव कर रहे हैं, भगवान के साथ भी वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। रोज रोज जाना मंदिर कि ताकि एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्डअप रहे, कि जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई विल आस्क हिम, ठीक है। और क्योंकि उनको अपने अंदर एक वो फील होता है कि अगर मैं रोज रोज उनकी पूजा करने नहीं जाऊँगा ना, तो वो जैसे रिलेटिव्स रुष्ट हो जाते हैं, वो भी समय के साथ जब समय पड़ेगा तो वो काम नहीं देंगे। तो इंश्योरेंस की तरह इंसान ट्रीट करता है भगवान को। तो इंसान मंदिर जाता है और वो मंदिर में क्या मांगता है? कि भगवान आप जो है मुझे जॉब लगा दो, या मेरी बेटी को वेल सेटल्ड बना दो, या मुझे वो लड़की चाहिए मुझे वो दिला दो, है ना, मेरी बेटी की शादी करा दो। क्या ये अपने आप को मुक्त करना है या अपने आप को और बांधना है? बांधना ही है अपने आप को। आप और बांध रहे हो ना, जितनी बार आप ये सब भगवान से मांग रहे हो, उतना सशक्त कर रहे हो अपने आड़व मल को आप, यानी अपने सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस को। उतनी बार आप ये दोहरा रहे हो, ये अफर्म कर रहे हो कि मैं अपने आप में इनकम्प्लीट हूँ, और मुझे कम्प्लीटनेस के लिए इन सर्टन इच्छाओं को पूरा करना होगा, अगर ये नहीं होती है तो मैं इनकम्प्लीट रहूँगा। तो इंसान मुक्त होना ही नहीं चाहता। अगर वो श्री विद्या संप्रदाय में आ रहा है तो भी वो किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आ रहा है, और वो इच्छा की पूर्ति उसको और इनकम्प्लीट फील कराएंगे, तो वो मुक्त होना ही नहीं चाहता, इसीलिए वो कभी मुक्त होता नहीं है। तो ये डिफिकल्ट है,
अपने स्वरूप को रियलाइज करना, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते रियलाइज करना। हम एक ऐसे पक्षी हैं जो पिंजरे में हैं, और उनको पिंजरा से निकाल दिया जाए बाय फोर्स, तो वो वापस पिंजरे में ही घुसेगा। उसको इतना पसंद आ गया पिंजरा। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से इंसान क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहता। वो हर दिन डोएगा, हर दिन सर्प फोड़ेगा, लेकिन बिना उसके उसको मन ही नहीं लग रहा। वो चाहता है उसमें रहना, वो चाहता है ऊंड होना, वो चाहता है बंधे रहना। यही इंसान का इंसान की विडंबना है, यही इंसान का प्रॉब्लम है। तो आपने पूछा इतना डिफिकल्ट है, इतना सिंपल होने के बावजूद? हाँ, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते। जो हम चाहते ही नहीं है वो हम सीखेंगे नहीं। ABCD सिखाना बहुत आसान है टेक्निकली, बट अगर बच्चा सीखना ही नहीं चाहे तो आप उसको सिखा पाओगे? जो इंसान करना ही नहीं चाहे वो कभी कर पाएगा नहीं। वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेगा उसको ना करने का। वो ABCD पढ़ भी रहा है बट उसको नहीं सीखना है, वो नहीं सीखेगा। वही है याद। सुयश, आपने अभी बात की है साधनाओं की, कि आपको हर प्रकार की साधना करना पसंद है या हर साधना के बारे में जानना बहुत पसंद है। अगर मैं कुछ साधनाओं के बारे में जो आप कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, सो मुझे लगता है कि मैं एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था कि साधना क्या है, किस तरह से आप बढ़ सकते हो। मैंने बस बताया कि जो टिपिकल श्री विद्या साधना आप करते हैं उससे उस मुक्ति, उस सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मोक्ष क्या है, जो सर्टन संप्रदायों का गोल है, मैंने इसको बताया भी, मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्। यानी मोक्ष अपने वास्तविक स्वयं को पहचानना है कि हम कौन हैं, इसको जानना मोक्ष है। मोक्ष कोई फैंसी टर्म नहीं है, मोक्ष कोई गोलोक नहीं है, मोक्ष कोई वैकुंठ नहीं है, शिवलोक नहीं है, कुछ भी नहीं। नो हेवन नो जन्नत। मोक्ष केवल इतना पहचानना है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं शिव हूँ, दैट्स इट। इसको पहुँचने के, यहाँ तक पहुँचने के अद्वैत वेदांत में अपने तरीके हैं। श्रवण मनन निध्यासन, पहले सुनना, फिर उसके ऊपर चिंतन करना और फिर उसके ऊपर ध्यान करना। सत्य को सुनो, चिंतन करो, ध्यान करो। वैष्णविज्म में अपने तरीके हैं, जाप करना और 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, नव भक्ति जिसको कहते हैं, उनका वो तरीका है। लेकिन कश्मीर शैविज्म जो वास्तव में त्रिका, जो वास्तव में श्री विद्या को एक्सप्लेन कर रहा है, हमें उसके पर्सपेक्टिव से जानना होगा ना, तभी हम श्री विद्या को समझ पाएंगे कि साधना क्या है। तो एज पर कश्मीर शैविज्म या त्रिका, साधनाएं तीन तरह के हैं। तीन तरह में सारी साधनाओं को दुनिया का हम रैप कर सकते हैं। पहली साधना को कहते हैं शांभवोपाय। ये उपाय है, सबके लास्ट में उपाय लगता है। उपाय का अर्थ होता है तरीका या मेथड। किस चीज का मेथड? शिव तक पहुंचने का या देवी तक पहुंचने का। तो पहला मेथड है शांभव उपाय, दूसरा है शाक्त उपाय, शाक्त उपाय, तीसरा है आणव उपाय। पहला मेथड शांभव उपाय बहुत डिफरेंट है। जो भी आपने ट्रेडिशनल श्री विद्या के मेथड्स को जाना है ना, उस सबसे डिफरेंट है। इट इज अबाउट बीइंग कंप्लीटली कॉन्शियस ऑल द टाइम। अब एकदम कॉन्शियस हो सब कुछ लेके, हम आप हमेशा अपने अद्वैत स्वरूप में स्थापित हो। आप जो भी कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, यू हैव टू फील वननेस विथ दृष्टा एंड दृश्य। मतलब जो आप देख रहे हो और जो आप हो, जो देख रहा है और जिसे आप देख रहे हो, उन दोनों के बीच में आपको हमेशा एक अद्वैत भाव महसूस करना होगा कि आप उससे एक हो। और वो तब होगा जब आप एकदम कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हो। कॉन्शियसली चीज़ों को देखो, या तो आप इस तरह से देखो कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि मैं अपने अंदर से इस रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आप मुझे देख रहे हो, मैं क्या हूँ? आप मुझे जो देख रहे हो, आपको कैसे पता कि मैं हूँ यहाँ पे? आप मेरे रूप को देख रहे हो, आप मेरे परफ्यूम अगर मैंने लगाया तो उसको स्मेल कर पा रहे हो, आप मेरे ध्वनि को सुन रहे हो, इसी इन्हीं मेथड से देख रहे हो ना, रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि, आप मुझे छू सकते हो। बस यही तरीका है ना देखने का, जानने का कि मैं हूँ। और ये रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि, जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, ये कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते। सारा का अस्तित्व कॉन्शियसनेस में ही है।
बिना कॉन्शियस परसीवर के दीज विल नॉट एग्जिस्ट। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं कॉन्शियसनेस, मैं ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि जिससे पूरा संसार बना है अपने से बाहर, और इस तरह से जो बाहर की दुनिया है और जो मैं हूँ उसमें पूर्णतः सामंजस्य है, वो एक है। दूसरा तरीका है कि ऐसे देखो चीज़ों को कि आप भूल जाओ कि देख कौन रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वर खत्म हो जाएगा, इसे सिर्फ दृश्य बचेगा। तो वहां भी अद्वैत आ गया। जे कृष्णमूर्ति इसको बहुत अच्छे तरह से समझाते थे। तो क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है इसीलिए आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू स्टडी जे कृष्णमूर्ति। दूसरा तरीका है शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में थोड़ा डुअलिटी है, थोड़ा नॉन डुअलिटी है, इसीलिए उसको भेद अभेदोपाय भी कहते हैं। भेद भी है, अभेद भी है। उसमें आप थॉट्स का सहारा लेते हो, विकल्प का। आप ये सोचते हो कि मैं ही शिव हूँ, अपने मन में ये रिपीट करते हो। अद्वैत वेदांत में जो बताया जाता है ना तरीका, वो शाक्तोपाय में आता है कि हमेशा महावाक्य का निरंतर चिंतन करते रहो। और महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्म ब्रह्मा, कि मैं ब्रह्मा मैं ही ब्रह्म हूँ। हमेशा इसका चिंतन करते रहो। ये डुअल भी है। क्यों डुअल है? क्योंकि मैं ब्रह्मा हूँ, यहाँ पर डुअलिटी तो क्रिएट हो गया ना कि मैं और ब्रह्मा अलग अलग है। ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, लेकिन दो हमने पहले क्रिएट तो कर दिया ना कि मैं और ब्रह्मा। राइट, तो मैं और ब्रह्मा, राइट। हाँ, तो हम ध्यान कर रहे हैं इस पे, लेकिन एक देयर इज अ डुअलिटी जो ध्यान कर रहा है और जिसपे ध्यान किया जा रहा है। हालांकि वो अद्वैत पे ही हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो इसलिए भेद भी है यहाँ पे, अभेद भी है, इसलिए इसको भेद अभेदोपाय कहते हैं। तो जिसको इसके बारे में और जानना है, यू कैन रिफर टू शंकराचार्य अद्वैत वेदांत मेथड। शाक्तोपाय में भी और भी उपाय आते हैं जिनमें विकल्प का, प्योर थॉट्स का सहारा लिया जाता है। ऐसे विकल्प जो आपको नॉन डुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे विकल्प का सहारा लिया जाता है वहाँ पे कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप अपने सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं, सो हम। जब आप सांस लेते हो ना तो सो की आवाज़ आती है, स, और जब आप छोड़ते हो तो हम। आप इसके ऊपर ध्यान कर सकते हो, स हम। ये श्री विद्या की उपासना है। और नित्य षोडशिका अर्णव में भी ये बताया गया है कि हमेशा उस अनाहत ध्वनि पर ध्यान करना है जो आपके नाक से जा रही है और मुंह से निकल रही है, सहम। ठीक है, तो ये एक साधना हो सकता है, उसको शाक्तोपाय कहते हैं। और ये भी डुअल और नॉन डुअल दोनों है, इसलिए भेद अभेदोपाय। क्योंकि सोहम इज अ डुअलिटी, मैं और जो इसके ऊपर ध्यान कर रहा है, और जो ये वर्ड है सोहम, मैं ध्यान कर रहा हूँ उस पर, और ये ध्यान की का ऑब्जेक्ट सोहम, इन दोनों में अलग अलग है ना, डिफरेंस है। बट एट द एंड ये सोहम हमें इस पूरे संसार से एक कर रहा है कि सो, यानी जो पूरा संसार है वो मैं हूँ, हम। तो ये भी शाक्तोपाय में आता है। थर्ड इज आणवोपाय। इसको हम लोग कहते हैं क्रियोपाय या भेदोपाय। पूर्ण तरह से भेद है इसमें, पूर्ण तरह से क्रिया है। इसमें विकल्प का सहारा नहीं लिया जाता या लिया जा सकता है। इसमें कॉन्शियसनेस का सहारा नहीं लिया जाता या कहो लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो लिया जा रहा है वो है क्रिया का सहारा। मोस्टली आणवोपाय में क्रिया का भी सहारा लिया जाता है, विकल्प का भी सहारा लिया जाता है यानी थॉट्स, और कॉन्शियसनेस का भी सहारा लिया जाता है। तो यू आर डूइंग क्रियाज बेसिकली। आणव उपाय में आप क्रियाज कर रहे हैं, हवन कर रहे हो आप, मंत्र का मैकेनिकली जाप कर रहे हो 1,00,000 बार, 2,00,000 बार, विजुलाइज कर रहे हो डीटीज को, ये सब आणव उपाय में आता है। तो ये तीन तरीके हैं श्री विद्या साधना में आगे बढ़ने के, मोक्ष को पाने के, मुक्ति को पाने के। यही तीन तरीके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो आपका अनुभव मैं जानना चाहती हूँ। इस बीच आपने जो ये साधनाएं की हैं, राइट, किसी एक साधना का कोई अगर अनुभव आप हमारे साथ शेयर करना चाहे, साधना का एक्सपीरियंस। साधना में क्या एक्सपीरियंस होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा ना। देखो, मैंने कई सारी साधनाएं की हैं, ये समझने के लिए कि उस साधना का माइंड पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर एक साधना किसी ना किसी तरह से आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, इट हैज टू डू इट। माइंड पे असर होगा ही, और माइंड पे क्या असर होता है यही बहुत कुछ डिसाइड करता है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इट रियली डिपेंड्स। आप नेगेटिव किसको कहते हो, पॉजिटिव किसको कहते हो। हमारे लिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज वी आर अद्वैत, अद्वैतंस, नो डुअलिटी। कोई सही नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, सब एक ही चीज है। तो माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस करने का ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव वे में कर रही है या पॉजिटिव वे में कर रही है।
किस तरह से इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है। अगर आपके अंदर बदलाव आ रहा है तो दुनिया में भी बदलाव आएगा। अगर आप चीज़ों को, आप कैसे देखते हो चीज़ों को, इसमें चेंज आ रहा है तो आप जो देख रहे हो उसमें भी चेंज आएगा। इसे हम लोग कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है। तो क्या चेंज आता है पर्सपेक्टिव में, क्या चेंज आता है माइंड में, वही चेंज आएगा इस संसार में। तो मैं साधना स्पेसिफिकली इसीलिए करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये जो पर्टिकुलर साधना है ये मेरे माइंड को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है और इससे संसार में क्या बदलाव आ रहा है। तो मैंने देखा कई तरह की साधना। बेसिकली जो मैं साधना कर रहा हूँ ना, जो भी कोई इंसान साधना करता है वो मुक्ति के लिए कर रहा है, और मुक्ति जैसा मैंने कहा अपने स्वरूप को जानना है। तो वही साधना सर्वश्रेष्ठ है जो आपको रियलाइज़ करवा रही है कि आप अपने में पूर्ण हो। अगर आप किसी और चीज़ के लिए साधना कर रहे हो, जैसे योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, सिद्धियाँ, तो वो आपको यही रियलाइज़ करवाएगी ना कि आप उसके बिना अपूर्ण हो। जब वो आपको मिल गई तो ही आप पूर्ण हो गए। तो वो साधना कश्मीर शैविज्म, या मैं स्पेसिफिकली कश्मीर शैविज्म आई डोंट नो, बट मैं उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से वो आप मेहनत कर रही हैं, कर ही रहे हो उतना, तो अपने स्वरूप को ही जानने के लिए कर लो ना। क्योंकि फिर वो अगर चला गया वो, तो फिर तो आप अपूर्ण हो जाओगे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो अपने अंदर पूर्णता को जानने के लिए कर लो, देन यू विल नॉट नीड एनीथिंग टू बी हैप्पी एंड बी फुलफिल्ड। आज आप सेटिस्फाइड है कि जब आपने शुरुआत की थी और आज जहां आप हैं? कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूं मैं। देयर इज नॉट अ सिंगल टच ऑफ रिग्रेट। पूरी तरह से आनंद में हूं। आई हैव टर्न्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन। अगर मुझसे कुछ ले लिया, पूरा जीवन ले लिया जाए ना इसके लिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। और इसके आगे भी आपको और बढ़ना है? अभी बढ़ने के लिए इन अ सेंस वैसा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो पाना था वो मैंने पा लिया। बट क्यूरियोसिटी, जो नॉलेज है ना, आत्मज्ञान, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आत्मा अनंत है, तो उसको आप जानोगे तो उसका जो जानना है ना वो भी अनंत है। उसमें उसको आप जितना जान सकते हो कम है। ज्ञान, वो तलाश, आत्मज्ञान को पाने का तलाश चलता रहता है, और जो तलाश करने वाला है वही खत्म हो जाता है। तो मैं हर एक साधना कर रहा हूँ ताकि इस ज्ञान की वृद्धि होते रहे, मैं और जान सकूं अपने अद्वैत स्वरूप, शिव स्वरूप के बारे में, और मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं उनके साधना में। मैं अपनी साधना उन पर नहीं थोपना चाहता। वो जो कर रहे हैं मैं उसी में उनको और अच्छा करना चाहता हूँ, उसी में उसको गाइड करना चाहता हूँ कि उसको कैसे करना है। तो हर कोई इंसान इस स्टेज पर पहुँच सकता है? बिल्कुल पहुँच सकता है। जैसे अभिनव गुप्त अपने बोध पंचदशिका में लिखते हैं कि पड़ा शक्ति जो है, ना च अल्पम ना च अधिकम, किसी में ना कम है ना किसी में अधिक है, सब में उतनी ही देवी है, उतना ही शिव है। तो अगर मैं पहुंच गया तो कोई भी पहुंच सकता है। मेरे में ऐसा क्या खास है? मैं स्कूल ड्रॉप आउट हूं, मैंने पढ़ाई भी उतनी पूरी नहीं की है। अगर मैं इस स्टेज तक पहुंच सकता हूं, कोई भी पहुंच सकता है। मतलब एक ऐसा होता ना कि पात्र देख करके चीजें की जाती है। अगर आप सच में वो चाहते हैं लेना तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो वो पात्रता नहीं है, वो इंसान का डिजायर है। क्या वो सच में मुक्त होना चाहता है? अगर हाँ तो वो होगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। आपकी डिजायर रही थी शुरू से? हाँ, मेरी इच्छा थी कि मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है उसको जानना है, और वो मृत्यु के बाद क्या होता है जानना मुझे अब मैं कौन हूँ इसके ऊपर लेके गया। क्योंकि पहले मैं कौन हूँ ये तो जानू, तब मुझे पता चलेगा ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी। अगर आप में है ये डिजायर, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आपको नहीं रोक सकता पाने में, क्योंकि आप स्वयं शिव हैं जो अपनी इच्छा से भूले अपने वास्तविक स्वयं को। अगर आप में वो इच्छा जाग गई अपने आप को जानने की, कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ जस्ट लाइक एक शिष्य, स्टोरी सुनाओ। शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है, देव मुझे आत्मज्ञान दे दो, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे जानना है भगवान को, मुझे जानना है परम सत्य। वो हर दिन आता गुरु के पास, हर दिन आता। गुरु उसको कहते कि जाओ, अभी नहीं, अभी तुम रेडी नहीं हो, जाओ। फिर एक दिन गुरु नहा रहे थे और वो फिर आता है, गंगा में वो नहा रहे थे, वो आता है, देव मुझे, जो उनका यूजुअल रूटीन था, इस बार गुरु को थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने उसका सर पकड़ा और गंगा नदी के अंदर डाल दिया।
5 सेकंड तक वो झटपटाते रहा, फिर उसको वो बाहर निकालते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें उस मोमेंट में जब मैंने तुम्हें गंगा के अंदर डाला तो तुम्हें क्या चाहिए था। तो वो सांस लेते हुए बोलता है, बस सांस चाहिए थी, बस एक सांस चाहिए थी। तो गुरु कहते हैं, अगर उतनी ही इच्छा से तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहोगे ना, कोई नहीं रोक सकता। जितना तुम्हें उस सांस को प्राप्त करने की इच्छा थी। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन अस कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन लोग हिपोक्रेट हैं, वो झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं। उनको लगता है कि मुझे ये चाहिए, बट उसको चाहिए ही नहीं। उनको लगता है कि उनको शिव चाहिए, उनको शिव नहीं चाहिए। उनको बस चाहिए थोड़ा वैलिडेशन लोगों से कि देखो मैंने शिव को प्राप्त कर लिया, या उनको चाहिए कोई इंसान जैसा फिकर जो उनकी हर बात सुने, जिन पे वो ट्रस्ट कर सकें, जो उनको धोखा ना दे, या उनको चाहिए एक डोरेमोन जैसा चीज़ जो उनको गैजेट्स दे। इसीलिए लोग को भगवान चाहिए। तो ऐसे अगर आपको चाहिए तो नहीं मिलेगा, मुक्ति छोड़ दीजिए, फिर नहीं मिलने वाली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सुयश, जो आपने श्री विद्या, इसकी साधना, इसकी शक्तियाँ, इसके स्वरूप और बहुत डिटेल में आपने मोक्ष के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये डीप नॉलेज, जो हमने डीप इंसाइट्स पे बात की है, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि एक्चुअल में कितनी इम्पॉर्टेंट भी है और कितनी हेल्पफुल भी है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करूंगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सुयश। ॐ नमः शिवाय।